देखो तुम्हारी फेवरेट चीज है। केक की भी अलग कहानी है, हमने इतनी मस्त स्टोरी बना के रखी थी ना। अरे ये क्या है? ओवर स्मार्ट हो गई हो, पागल बनाने लगे हो। लोगों ने ना माने ही नहीं कि ऊपर ऊपर नहीं ऊपर कच्ची खिलाड़ी हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा अवतार देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि कुछ तो स्पेशल होने वाला है भाई। सो यस, आज का व्लॉग बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें होने वाली है। सो सबसे पहली चीज तो ये है कि आज पापा का बर्थडे है, वो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। और दूसरी चीज ये है कि वो हम बहुत ही ज्यादा यूनिक तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं। बिकॉज अभी तक के बर्थडे जितने भी हमने सेलिब्रेट किए हैं वो किसी रेस्टोरेंट में जाके वहाँ पे केक वगैरह कटिंग करके सेलिब्रेट किए हैं, बट आज हम जा रहे हैं बीच पे। सो बहुत ही यूनिक तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है। एंड बीच पे जाने के बाद वहाँ पे हम केक कटिंग करने वाले हैं, यू नो। सो मेरे लिए तो मतलब ये एक्चुअली आइडिया आशु का था, उसको ही आइडिया आया कि क्यों ना थोड़ा अलग तरीके से करें, हर बार वही चीज करके अपन बोर हो गए हैं, यू नो। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि चलो बहुत टाइम हो गया, अपन बाहर भी नहीं गए हैं नया कार लेके, तो चलो वो बहाने से आउटिंग भी हो जाएगा और बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। तो अभी हम निकले हैं बीच की ओर, जो कि हमारा पहला आउटिंग होने वाला है, ऑफकोर्स लाइक यू ऑलरेडी नो इट। सो यस, चलो, आई एम वेरी एक्साइटेड। तो अभी हम यहाँ आ चुके हैं, हमने गाड़ी पार्क कर ली है और फॉर्चुनेटली ये जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, यहाँ पे पार्किंग फ्री है। यू नो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब मैंने सुना था और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि नहीं यार यहाँ पे $40-50 पार्किंग में ही चले जाएंगे। हाँ, एंट्री के वक्त मुझे $40-50 लग गए, बट या यहाँ पे पार्किंग फ्री है तो कोई बात नहीं, मतलब इट इज़ लाइक सेम थिंग। बट या तो देखो कि आप पूरी जनता बहुत ही फॉर्म में है, एकदम बीच मोड ऑन हो चुका है ना भाई, आपका भी बीच मोड ऑन है ना? Yeah. है कि नहीं? Yes, देख रहे हो? Ready. Yes, सब रेडी है भाई, सब रेडी है, एकदम झकास, फुल बीच मोड ऑन करके बैठे ले सब लोग। चलो को बीच की ओर बढ़ते हैं। बीच की ओर बढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है, तो वो कर लेते हैं पहले। अब देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा डेकोरेशन किया हुआ है और ये है हमारे आज के क्रिएटर। ये सब इसी का आइडिया था कि चलो गाड़ी के डिक्की में मस्त वाला डेकोरेशन करते हैं, तो उसी ने ये सारा सामान लाया है और यहाँ पे हमारी झटपट चल रही है बलून्स के लिए। और सबसे मजे की बात पता है क्या है, ये मैंने पापा को बताया ही नहीं है कि ये सब हमने डेकोरेट किया है, यू नो, क्योंकि हमने बस मुझे पता था कि कोई गाड़ी में आएगी तो पता चल ही जाएगा, तो इसलिए हम सारा सामान बैग में डाल के ले आए थे और उनको थोड़े टाइम के लिए बाहर मतलब बीच पे भेज दिया एंड तब हमने सारा ये सब डेकोरेट किया, यू नो। तो अभी मैं उनको बुलाया हूँ वापस, तो उनको अभी हम सरप्राइज देने वाले हैं। तुम्हारे लिए सरप्राइज है कि नहीं? पूरी मेहनत आशु ने की है ये। बस पता है आप कनाडा में आके इंग्लिश सीख गए हो। यस, हैप्पी बर्थडे दादाजी को, हैप्पी बर्थडे। अरे वाह, चलो तो अभी हम केक कट करेंगे। यस, रेडी, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बढ़िया केक बनाया है, अच्छा लगा? एक नंबर। केक की भी अलग कहानी है, हमने इतनी मस्त स्टोरी बना के रखी थी ना कि उसकी फ्रेंड का बर्थडे है, उसको ऑर्डर देना है एंड ब्ला ब्ला, उसको केक नहीं मिल रहा। बढ़िया,
स्मार्ट हो गई तुम कनाडा में, ओवर स्मार्ट हो गई हो, पागल बनाने लगे हो लोगों को। मैं वहाँ नहीं थी क्या? इंडिया में सिर्फ स्मार्ट थी, यहाँ पे ओवर स्मार्ट हो गई हो तुम। अलग अलग बहाने बना के लोगों को पागल ना सस्पेंड में रखा मुझे, कुछ पता ही नहीं चला, पास में रह के पता नहीं चला मुझे। बस भाई अभी अभी, अभी सारा तेरा है, लीजिए भाई लीजिए, जो करना है वो करो, जो करो लो बेटा ले, अब पूरा बलून आप ही का है। अरे बस कितना केक खाओगे? पसंद आया। हाँ 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 बराबर है ना, आधा वो मौका मिल गया उनको, ऐसे तो शुगर बंद है उनकी। हाँ तो इसके वजह से ये तो बहाना मिल गया उनके लिए। वाह 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 वाह, ये शक्कर बनाया है? नहीं नहीं शक्कर तो कम है, ये मैंने शक्कर। बाय द वे वो सब शक्कर ठीक है, गिफ्ट तो रह गया। हाँ मैं वही बोलने वाला था, गिफ्ट कहाँ गया? गिफ्ट दो जल्दी से लाओ, और ये है हमारा गिफ्ट। अरे वाह क्या है भाई इसमें? देखो खोल के, देखो देखो तुम्हारी फेवरेट चीज है, गेस करो क्या है, बस खोलो मत, गेस करो गेस करो। खोलेंगे खोलेंगे खोलेंगे, चलो खोल लो अभी, जाने दो मुझे, बताया तो नहीं समझ। स्प्रे, परफ्यूम्स का कलेक्शन है, 10 ब्रांड है, 10 ब्रांड के अलग अलग टाइप के है। यस वाह वेरी गुड, उसमें देखो कौन से इसका क्या है, सारे परफ्यूम्स जब जो भी चाहे। तुम्हारी हमेशा कंप्लेंट रहती थी ना कि भाई मेरे को कोई अच्छा परफ्यूम दो, हाँ कोई हाथ नहीं लगाएगा, तिजोरी में रखना तुम्हारे, तिजोरी में रखूंगा क्योंकि तुम लगाओगे ना तो हमको भी स्मेल आ ही जाएगी। नहीं पर हमको नहीं, एक याद रखना कि तुमको अगर हमने बोला कि ये अच्छा है तो तुमको बताते आना चाहिए कि वो 10 में से कौन सा है। हाँ जाए और वो आपको बहुत पसंद है तो मेरे को बताना, मैं रिफिल कर देंगे। हाँ करे करे, अभी आप मेरे को बता देना इसमें से कौन सा आपको अच्छा लगे क्या। और ये देखो यहाँ पे ना सारी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, ये जो है ना, हाँ ये देखो ये अलग अलग है पूरा, परफ्यूम किसका, हाँ बेटा दे रहे आपको भी दे रहे, किसका है मतलब उसका जो भी नाम है उसकी डिटेल्स, किस चीज से बना हुआ है, वो सब कुछ, मतलब ये वाला जो ब्रांड है ना ये कहाँ का है, पेरिस का है ये ब्रांड। हाँ हाँ बोला ना पेरिस का है, ये बहुत ही फेमस ब्रांड है पेरिस का। थैंक यू वेरी मच, यस थैंक्स टू यू, ये भी इसी का आइडिया था। मैं बस मेडिएटर रह रहा हूँ, डेकोरेशन का आइडिया उसने दिया, मैंने हेल्प कर दिया, गिफ्ट का आइडिया भी उसने दिया, मैंने हेल्प कर दिया लाने में। बट कोई नहीं, मेडिएशन मेडिएटर का काम भी बहुत बड़ा होता है। एक्चुअली वो तो है, और मेरे मतलब मेरे मन में जो जो था मैंने शेयर किया उनको, मेरे मन में ये है तो सही है और नॉट, नहीं नहीं भाई तुम्हारा मन कभी गलत हो सकता है, तुमने मुझे चूज किया है तो वो इतना बड़ा सही डिसीजन लिया है तो फिर बाकी बाकी तुम्हारा डिसीजन कभी गलत हो ही नहीं सकता है कि नहीं। चलो तो अभी बीच पे चलते हैं, बीच मतलब हम बीच पे आ ही गए हैं, बस बीच तक गाड़ी नहीं जा सकती थी इसलिए यहाँ पे हमने केक कट कर लिया, तो बस हार्डली यहाँ पे देखो मे भी आपको दिख रहा होगा नहीं होगा पता नहीं, बट हाँ वो वाले साइड में बीच है, तो बट इट जस्ट 1 मिनट वॉक, चलो चलते हैं। और ये हम धीरे धीरे बीच की ओर बढ़ते हुए, यहाँ पे ना देखो लोग पार्टी करते हैं, मतलब मस्त उनका बारबेक्यू वगैरह ले आते हैं उनका खुद का, हाँ देखो ना मस्त उसका मतलब म्यूजिक का वो बाहर आता है ना वो ले आते हैं, और यहाँ पे मस्त म्यूजिक बजा के बारबेक्यू लगा के वीकेंड, यहाँ पे मतलब हर वीकेंड लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, कभी ये बीच पे कभी वो बीच पे, और वो साइड में ना वो देख रहा हो, हाँ वो कुछ तो राइड्स वगैरह होती है, मतलब अगेन अपन नहीं जा सकते अभी, बट बच्चों के लिए रहती है, 5-6 साल वाले बच्चों के लिए। हाँ हाँ ये है हमारा भावी फुटबॉल चैम्पियन, ये वेरी गुड। और यहाँ हमें बहुत सारे खिलौने मिल गए हैं तो हम अभी सेट है। इतने टाइम से हम दूसरे लोगों का बॉल मांग के खेल रहे थे, बट फाइनली हमें मिल गए खिलौने,
तो अपने भाई का काम हो गया है अभी। मजा आ रहा है? Yes, डुगु बाबा का तो मजा है, एकदम सेट है उसका। तुम्हारा बताओ कैसा लग रहा है? मस्त, मेरे को तो ना ऐसा खुला खुला, मेरे को गोवा की याद आ रही है। गोवा में भी अपने बीचेस वगैरह ऐसे रहते ना। हाँ, और आपको कैसे लगा बर्थडे गिफ्ट? मुझे तो इतना बेहतरीन लगा कि मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। स्वर्ग में बैठे, सही है सही है, चलो अच्छी बात है। तुम्हें भी बहुत मजा आ रहा है। हाँ, हमको पता है तुम्हें मजा आ रहा है। चलो बढ़िया बढ़िया, मजा तो बहुत आ रहा है यहाँ पे। और इतना पीसफुल है ना, मतलब जो आप, जो कि आप देख ही रहे हो, बहुत अच्छा भी लग रहा है। कुछ यार बीच में लोग पीसफुल है, मतलब एनवायरनमेंट एंजॉय करने के लिए। बर्थडे तो सुपर से सुपर लगा। सुपर से ऊपर होता है वो, सुपर से डुपर लगा। ये देखो अलग, सुपर डुपर क्या, सुपर डुपर होता है। नहीं 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 नहीं, सुपर, हम सुपर डांसर देखने वाले थे तो वो सुपर से ऊपर होता है। वो शिल्पा शेट्टी बोलते हैं सुपर से सुपर होता है। सुपर नहीं, ऊपर। कच्चे खिलाड़ी हो आप। इसका अलग खुशी है। क्या समझ रहा है तेरे को? है? अपने इसमें खुश है वो। खुश है वो अपनी दुनिया में। फिर भी हम लोग बॉल भूल गए, बॉल नहीं लाया इस टाइम ना। बॉल कोई बात नहीं, तो फिर तो वो तो खुद मजा करता है। हाँ, वो ही ना फोटो। हाँ, बहुत पसंद है उसको। माता पा नहीं होने दो, कोई बात नहीं, अच्छा में जाइए। जाने तो थोड़ा सा दुखेगा, रोएगा, ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से तो सीखते हैं बच्चे। सीखने दो, ये लो, ए ए ले, ए नको, ए ले, ए नो, हाँ। और बताओ ड्रेस कैसा लगा? अरे इस ड्रेस तो इतना चॉइसेबल था, ये मैचिंग मैचिंग तुमने बैंड बाजा बारात बना दिया, एकदम सेम सेम पैंट है। मुझे तो ये ड्रेस काफी बहुत दिनों से अच्छा लग रहा, ऐसा लग रहा कि मैं फिर से जवान हो गया। जवानी हो आप? हाँ, एज इज जस्ट अ नंबर है ना। फिर मेरी बहू ने मुझे जवान बना दिया है। बाल भी काले कर लेना अभी, एकदम फुल जवान, लोग पहचानेंगे। फॉरेनर लोगों का व्हाइट ही बाल रहते हैं तो वो फैशन मैच हो जाता है। आधे घंटे पहले ये सारे जितने भी टेबल दिख रहे हैं ना, वो सारे फुल थे, यू नो। इतनी भीड़ थी ना यहाँ पे कि पूछो मत, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी आपको टेबल दिख रहे हैं ना, दोज वर ऑल फुल। मतलब एक एक हम कब से ढूंढ रहे थे कि टेबल है, बट अभी क्या है कि इस जाने का टाइम हो गया, इसके लिए सारे टेबल खाली हो गए हैं। दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट वीकेंड। वाओ, भगवान करे कि बस ऐसा ही वीकेंड हमारे लाइफ में आते रहे। और जो भी लोग देख रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ कि उनके लाइफ में भी ऐसे ही हसीन वीकेंड्स आते रहे। और घर जाते वक्त बहुत ही बढ़िया माहौल बन गया, क्योंकि यहाँ बारिश होने लगी। और तुम्हें तो पता ही है कि जंगल में बारिश होने पर कितना बढ़िया माहौल बन जाता है। एक्चुअली तुम्हें पता है, ये जो पूरा रास्ता है ना, ये जो जर्नी है, मेरे को मतलब महाबलेश्वर जाते वक्त लगता है ना, बस सेम वही फीलिंग आ रहा है कि मुझे लग रहा है अरे मैं महाबलेश्वर वाला जो रोड है उससे जा रहा हूँ। जैसे रास्ते में से शॉप्स वगैरह बने हुए थे ना, स्ट्रॉबेरी के फार्म्स वगैरह होते हैं, तो सेम मेरे को एग्जैक्ट वही फीलिंग आ रहा है। अभी टाइम है स्पेशल डे का स्पेशल डिनर। ये रहा हमारा स्पेशल डिनर। यस, खा चुके हैं। एक्चुअली रास्ते में, मतलब यू नो, यहाँ पे कुछ तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो इसलिए बहुत सारे डिटूर हो गए, यू नो। उसकी वजह से मैं इतना लेट हो गया ना कि मैं बोला पता नहीं यार अभी घर पहुँचते पहुँचते मिलेगा भी या नहीं, तो इसलिए हमें रास्ते में जो भी अपना ऑल टाइम फेवरेट डोमिनोज पिज्ज़ा मिल गया, तो इसलिए। और प्रॉब्लम यहाँ ये है ना
कि यहाँ पे डाइनिंग नहीं है, आप देखोगे मतलब सिटिंग के लिए कोई एरिया नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए फिर हमको अपने देसी स्टाइल में अपने गाड़ी के फ्रंट को डाइनिंग टेबल बना के उस पर हमने पिज्जा खाया अपने देसी का। बहुत मजा आया। और एक मजे की बात ये है कि यहाँ पे ये जो डोमिनोज पिज्जा है, यहाँ के जो असिस्टेंट मैनेजर है वो इंडियन थे, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे वाला पिज्जा बना के दिया हमें। एंड द बेस्ट पार्ट इज उसने डोगो के लिए एक स्पेशल डेजर्ट भी दिया। क्या डेजर्ट है दिखाओ तो? यस हाँ भाई, तुम्हारे लिए ही है, देखो उन्होंने कुछ ब्राउनी टाइप है, ब्राउनी टाइप है, हाँ बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो यस हमें मतलब डुगो को भी आज गिफ्ट मिल गया। ये देखो ये आपके लिए बेटा। यस भाई आपके लिए ही है, यस इट्स ओनली फॉर यू। ओके सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इस तरीके से हमारा आज का दिन बहुत अच्छे से गुजरा। सो यस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अंटिल देन बाय बाय।